हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ छोले चाट की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं छोले चाट की ये बहुत ही आसान सी और चटपटी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सी और चटपटी चाट की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने आधा कप के करीब काबुली चने लिए थे, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगोया था और उसके बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया है। तो बहुत अच्छे से इसे बॉयल करना है। देखिए, बहुत आराम से मैश हो जाना चाहिए, इतना हमें बॉयल करना है। और इसका पानी निकाल लिया है और इस चने को हम डाल देंगे अब एक बड़े बोल में। और इसमें हम बाकी सारी चीज़ें डाल लेंगे तो ये वाली चाट जो है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो इसमें अब डाल लेंगे बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज का प्याज, साथ में डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। यहाँ पर मैंने टमाटर के सीड्स निकाल दिए हैं। हरा धनिया डालेंगे, साथ में डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तो ये भी हम स्वाद के अनुसार ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो से तीन हरी मिर्च ली है बारीक कट करके। और साथ में यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप के करीब बॉयल आलू, तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। और इसमें अब डाल लेंगे चाट मसाला, तो आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे चाट मसाला, जिससे कि हमारी ये चाट बहुत ही चटपटी सी बनेगी। साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर, तो यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब। साथ में डालेंगे काला नमक, तो स्वाद के अनुसार हम यहाँ पर काला नमक डाल देंगे। तो हमें सफेद नमक का भी यूज करना है तो उस हिसाब से हम काला नमक डालेंगे। तो एक चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने काला नमक का यूज किया है और एक चौथाई चम्मच के आसपास मैं सफेद नमक डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, तो मैंने इसे फ्रेश ही भुना है और फ्रेश ही मैंने कूट के डाल रही हूँ उसमें। तो आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा है ये जीरा पाउडर। डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नींबू, तो एक नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नींबू डालने के बाद अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। तो यहां पर सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाना है। यहां पर आलू और छोले की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के अनुसार या जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर मैंने छोले ज्यादा लिए हैं, आलू कम लिए हैं। आप बराबर भी ले सकते हैं या फिर कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए, मिलाने के बाद हमारी ये चाट बनके तैयार हो गई है। तो ये हमारी चाट बिल्कुल तैयार है। और जब भी छोटी मोटी भूख लगी हो, कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो इस तरीके से आप चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।